नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, श्री टेक टेक्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी 2011 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीप्रोपिलीन नॉन वून फैब्रिक। तो दोस्तों, इनका जो है नॉन वोन फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग है और ये फैब्रिक जो है इस तरीके से दिखता है और इसका इस्तेमाल जो बेसिकली है एग्रीकल्चर में किया जाता है। इसके अलावा जो है होम फर्निशिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, इसके अलावा व्हीकल इंडस्ट्री और जो है मैट्रेस और फर्नीचर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंपनी जब शुरुआत हुई थी तब कंपनी का पार्टनरशिप बिजनेस था, लेकिन 2021 में जो है कंपनी ने डीमर्ज हो गया और उसके बाद जो है इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है अपना स्टार्ट कर दिया था। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है दोलका तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इनके जो क्लाइंट बेस आते हैं वो इंडिया में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर इनके क्लाइंट्स है। इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी है, तो यूएसए, ताइवान, कनाडा, डेनमार्क और चाइना, इन कंट्रीज में जो है कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अभी दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियल्स इसके जो है वो कैसे है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 16 करोड़ का था, 21 में ये बढ़ के 40 करोड़ हो गया। अगर आप 2022 की बात करो तो 52 करोड़ के आसपास का है और मार्च 2023 के अंदर जो है अराउंड 58 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में आप देखोगे कि इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो 4.5 करोड़ का प्रॉफिट था 20 के अंदर, 21 के अंदर काफी अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है, अराउंड 12.5 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है। 22 के अंदर जो है 8 करोड़ के आसपास का है और 23 के अंदर 9 करोड़ के आसपास का है। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि दोस्तों इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 15% के आसपास का है, तो काफी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन जो है मेंटेन कर रखा है। उसके अलावा अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो 29 करोड़ का नेटवर्थ है, ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं, और टोटल जो बोरिंग्स है वो अराउंड 32 करोड़ की। तो ये एक कंसर्न वाला फैक्टर ये है कि इनकी जो बोरिंग्स है 32 करोड़ की और सामने नेटवर्थ है 29-30 करोड़ के आसपास का, तो बोरिंग्स थोड़ी ज्यादा है नेटवर्थ से, वो एक कंसर्न वाला फैक्टर है। सेकंड, इनकी बोरिंग्स भी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है, तो ये एक कंसर्न वाला फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ईपीएस निकल के आ रहा है ये 5.19 का निकल के आ रहा है, और अगर हम जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो अराउंड 61 का है। तो दोस्तों, हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.75 का निकल कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो है हमें एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे जो है कंपनी ने अपना प्राइस रखा हुआ है। प्लस इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी अच्छा खासा है, अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो अराउंड 31% के आसपास का इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्लस इनका बुक वैल्यू भी जो है अराउंड 17 के आसपास का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी कम रहेगा इनका। अभी पीयर कंपैरिजन में दो कंपनी यहाँ पे निकल के आ रही है, वो है गैरवेयर टेक्निकल फैब्रिक्स लिमिटेड और दूसरा जो है शुभम पॉलीस्पिन लिमिटेड। तो दोनों का अगर पी रेशो देखोगे तो काफी ज्यादा है, इस कंपनी का जो है अराउंड 38 के आसपास का है और शुभम का जो है अराउंड 25 के आसपास का है। और हमने जो प्राइस टू अर्निंग रेशो कैलकुलेट किया था वो अराउंड 11.75 का था, जो कि काफी कम है इन दोनों कंपनी से। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है काफी इन्होंने अट्रैक्टिव रखा हुआ है और आगे चल के जो है इस चीज का जो हो सकता है कि इनमें इनको आगे जाके फायदा भी हो सकता है। अभी दोस्तों बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें तो ये आईपीओ जो है वो 26 जुलाई को आने वाला है और 28 जुलाई को जो है ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस तो जो मिनिमम प्राइस है 54 है और कट ऑफ प्राइस जो है 61 रुपीज पर शेयर है। और इसका जो इश्यू साइज रहेगा वो अराउंड 45 करोड़ के आसपास का रहने वाला है और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे फ्रेश इश्यू रहने वाला है। इसका लिस्टिंग जो रहेगा वो एनएससी एसएमई पे रहने वाला है और अलॉटमेंट की बात करें तो 2 अगस्त 2023 को ये अलॉट हो जाएगा और आपको रिफंड आ जाएगा 3 अगस्त तक। अगर अलॉट नहीं हो रहा है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 4 अगस्त तक, और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है इसका 7 अगस्त का रहने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी में दोस्तों 50% ऑफ द शेयर्स, एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में जो है 35% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो है आपको 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो 1,22,000 रुपये चाहिए होंगे। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो
तो 4,000 शेयर्स के लिए जो है 2,44,000 रुपीज आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले 100% की प्रमोटर होल्डिंग थी, और आईपीओ आने के बाद जो है यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप इसके आरएचपी को चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा अराउंड 70% ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे चेक कर लो तो 70% की है, तो एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो दोस्तों है प्रमोटर्स के पास रहने वाला है, तो यहाँ पे कोई भी हमें कंसर्न वाला फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास जो है रहने वाला है। और दोस्तों अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, तो उसके लिए इनको अराउंड 4 करोड़ के आसपास चाहिए। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, उसके लिए 6 करोड़ के आसपास चाहिए। कमीशन ऑफ सोलर प्लांट, उसके लिए 5 करोड़ चाहिए। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अराउंड इनका जो है 15 करोड़ के आसपास इनको चाहिए होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी कंपनी ने जो है काफी क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि हम इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों पहली चीज ये कि कंपनी लास्ट जो है 12-13 सालों से इस बिजनेस में, और कंपनी ने को एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी बेहतर है, यहाँ पे अराउंड 15% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। प्लस इनका जो है रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो इनका इंक्रीज हो रहा है। एक कंसर्न वाला फैक्टर मुझे ये दिखाई दिया कि बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर इसमें लगातार और इंक्रीज हुआ तो वो कंपनी के लिए आगे जाके दिक्कत कर सकती है, बिकॉज कंपनी को जो है उतना इंटरेस्ट बोरिंग से ऊपर पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पेक्ट आ सकता है। मेन चीज जो है इस आईपीओ की वो है वैल्यूएशन, जो कि काफी अट्रेक्टिव प्राइस पे कंपनी वैल्यूएशन ला रही है। अराउंड 11 के पी के हमने देखा था कि वो रेशियो के आसपास जो है ला रही है, तो वो मेन चीज है। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए और बाकी सारे अदर जो फैक्टर्स है वो पॉजिटिव है, प्लस प्रमोटर्स का होल्डिंग देखा कि वो भी हमने अराउंड 70% के आसपास है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक प्रमोटर के पास ही रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आगे जाके कंपनी और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। तो लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स दोस्तों हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो सभी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जो है वो जरूर कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना चाहिए करना है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे आपके। तो दोस्तों थोड़ा बहुत एनालिसिस मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है अपने एंड से भी कर लेना। और दोस्तों मैंने दूसरे भी आईपीओ पे भी वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो और वहाँ पे जिस आईपीओ में आपको देखना हो या फिर आपको अप्लाई करना है, तो वो सारे आईपीओ के वीडियो जो है आप मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।